जमशेदपुर के एनटीटीएफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने हाल ही में सीआईआई की ओर से आयोजित कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्रतियोगिता में सीमित संसाधनों से 3D प्रिंटर बनाने का अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां आयोजकों की ओर से इंस्टीट्यूट के छात्रों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। साथ ही फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले दूसरे चरण के लिए एनटीटीएफ के छात्रों का चयन कर लिया गया है। बताया जाता है कि पहले चरण के लिए देश भर से टाटा मोटर्स सहित 32 नामी कंपनियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें एनटीटीएफ जमशेदपुर सहित देश भर के 6 संस्थानों ने दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई किया। 3D प्रिंटर के लो कॉस्ट मॉडल बनाने वाले छात्रों ने इसे एक बेहतर अनुभव बताया, साथ ही इसमें भविष्य की संभावनाएं भी बताई। छात्रों ने बताया कि संस्थान में इस मॉडल को बनाने को लेकर कोई संसाधन मौजूद नहीं था, फिर भी उन्होंने थ्योरी के माध्यम से बाजार से संसाधन जुटाकर इसे पूरा किया। वहीं संस्थान के छात्रों के इस उपलब्धि पर संस्थान के शिक्षक काफी खुश नजर आए। वैसे यह प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की गई थी। हाल ही में यहाँ पे एक इवेंट हुआ था सीआईआई का, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जिस नाम से प्रचलित है वो, उन्होंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें 32 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। कुछ लीडिंग कंपनी थे उसमें, टाटा मोटर्स, बारवे इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट, एंड उसमें हम लोग को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। और साइमल्टेनियसली उन्होंने हमें उसके सेकेंड राउंड के लिए भी बुलाया है, जो कि फरवरी में होने वाला है 2021। और इस प्रोजेक्ट को, इस जो प्रोडक्ट हम लोग ने बनाया है उस वो एज अ प्रोजेक्ट के लिए हम लोग बनाए थे, क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करके हमारा पेपर है जो कि थ्योरी पेपर था, और उसके प्रैक्टिकल जानने के लिए 3D प्रिंटिंग होता क्या है उसके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं थे एनटीटीएफ में। हम लोग ने मार्केट अप्रोच किया तो वहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हम लोग ने सोचा कि ये 3D प्रिंटर खुद बनाया जाए। इसको एक अवसर तक इस्तेमाल करके उन्होंने मशीन तैयार किया, और ये लो कॉस्ट एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, 3D प्रिंटर है बाकायदा, जिस पर कंपोनेंट्स प्रिंट हो सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स बन सकते हैं। और इनको एक मौका मिला रिसेंटली सीआईआई के जो नेशनल लेवल का रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कंपटीशन कंडक्ट हुआ था, ऑनलाइन जरिए हुआ था क्योंकि लॉकडाउन था, तो इसमें अराउंड 16 कंपनीज और 32 टीम में पार्टिसिपेट किया, और कॉलेज की तरफ से हम लोग अकेले थे क्योंकि इंडस्ट्री के साथ हम कॉम्पीट करना चाह रहे थे, और बच्चों ने इस मौके को फ़ायदा उठाया, अच्छे से तैयारी की, और इस मशीन को बहुत अच्छे तरह से सराहाया गया सीआईआई की तरफ से, और इसका नतीजा ये था कि 32 टीमों में अराउंड 6 लोगों को गोल्ड मिला, उसमें से हमारा एक टीम भी था। तो इससे दर्शाता है कि बच्चों ने सही में मेहनत किया इसके अंदर में, और जो उनके जुड़े स्टाफ है, और एक ऐसे रूप में इस मशीन को तैयार किया कि सिर्फ ना कि एक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है भाई बढ़ के रखना है, एज ए प्रोडक्ट तक इसको लॉन्ग टर्म रखते हुए आगे में आने वाले दिन में जो भी लोग या जो स्टूडेंट्स 3D प्रिंटिंग को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और एक सेफ मोड में, लो कॉस्ट मोड में एक उपलब्धि है इनके लिए बना के रखा है, और मेरे हिसाब से एक बड़ा अचीवमेंट इनका है, और मेरा उनके लिए ऑल द बेस्ट विशेस है, और हमारा टीम से, एनटीटीएफ आईटाटा टीम से हमेशा इनको सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हमारा थीम ये है कि बच्चों की इस दिशा में लेके जाए ताकि ये अच्छे से टेक्नोलॉजी डेवलप करें, और जो हमारा एक इंडिया का थीम है मेक इन इंडिया या स्वावलंबी भारत है, तो ये यही बच्चे हैं जो आने वाले 10-15 साल में अपने आपको एक उस मुकाम पर पहुँचाएंगे। एक हमारी छोटी कोशिश है इनको एक उस दिशा में लेके जाने की।